हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। इस वीडियो में हम समझेंगे थीटा हीलिंग के बारे में। मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने थीटा हीलिंग का शायद नाम भी नहीं सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने शायद नाम सुना होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा, तो पता नहीं होगा कि ये काम कैसे करती है। बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे दिमाग में कि थीटा हीलिंग एग्जैक्टली है क्या। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मैंने थीटा हीलिंग क्वेश्चन एंड आंसर एक यूनिक ग्रुप बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस ग्रुप में भी आप ज्वाइंट होके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जहाँ पर पॉसिबल हो पाया तो मैं क्वेश्चन के जवाब में वीडियो बना के सबके सामने प्रेजेंट करूँगा, जिससे कि वो जो एक्सप्लेनेशन है वो सबको मिले और सबको क्लैरिटी हो पाए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं थीटा हीलिंग क्या है। सो थीटा हीलिंग एज नेम सजेस्ट, थीटा ब्रेन वेव्स है। ये ब्रेन वेव्स क्या होते हैं? तो हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स है, जो न्यूरॉन्स है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस क्रिएट करते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस EEG नाम के मशीन से उसको मेजर किया जाता है। और ये जो कनेक्शन है ब्रेन में, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है, वो वेव्स के फॉर्म में होती है। और जहाँ वेव्स है तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसीज है। तो मोटा मोटा ब्रेन वेव्स को 5 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज में डिवाइड किया गया है। चलिए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बीटा ब्रेन वेव्स के बारे में, जिसमें फ्रिक्वेंसी होती है 14-28 साइकल्स पर सेकेंड। बीटा स्टेट ऑफ माइंड, यानी हम जो इस वक्त इस स्टेट में है, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बीटा स्टेट ऑफ माइंड में हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बीटा स्टेट ऑफ माइंड में है, हम चल रहे हैं, दिनचर्या के काम कर रहे हैं, तो दैट इज़ द बीटा स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो रहती है वो 14-28 साइकल्स पर सेकेंड की रहती है। उसके बाद उससे डीपर लेवल आता है, दैट इज़ द अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर फ्रीक्वेंसी रहती है 7-14 साइकल्स पर सेकेंड। जैसे कि आप सोने और जागने के बीच में हो, एक डिटैच स्टेट ऑफ माइंड, सम काइंड ऑफ अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड, राइट, दैट इज़ द अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बहुत सारे लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोज़ में सुना होगा, या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स या तो जो भी उसके मटेरियल्स है उसमें पढ़ा होगा। दिस इज़ द सेम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पर आपके ब्रेन वेव्स की साइकिल होती है 7-14 पर सेकेंड। यस, इससे डीपर आता है थीटा स्टेट ऑफ माइंड, जहाँ पर आपके ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी है 4-7 साइकल्स पर सेकेंड। यस, ये बहुत ही डीप स्टेट है, डीप मेडिटेटिव स्टेट, डीप स्लीप स्टेट। यहाँ से ही हमारी थीटा हीलिंग स्टार्ट होती है। इससे भी एक नीचे स्टेट आता है, डेट इज़ द डेल्टा स्टेट। डेल्टा स्टेट यानी जहाँ पर ब्रेन की फ्रीक्वेंसी होती है 0-4। ये स्टेट ऑफ माइंड या तो ये ब्रेन वेव्स, ये फ्रीक्वेंसी नेचुरली ही हमारे अंदर क्रिएट होती है, इसको हम डेलिब्रेटली क्रिएट नहीं कर सकते। और शायद ये अगर हो पाता है तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, आपको बहुत ही डीप लेवल की प्रैक्टिस या तो डीप लेवल का कंट्रोल हो आपके माइंड के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, तो ही इसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे थीटा के ऊपर। ओके, इसके अलावा भी एक और स्टेट ऑफ माइंड है, या तो ब्रेन वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 30 एंड अबव, दैट इज़ कॉल्ड गामा स्टेट ऑफ माइंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थीटा हीलिंग की तरफ। तो थीटा स्टेट ऑफ माइंड यानी कि थीटा ब्रेन वेव पे जो हीलिंग होती है उसे हम थीटा हीलिंग कहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि क्या थीटा हीलिंग में हम दूसरों को हिप्नोटाइज करके उसको डीप स्टेट में ले जाते हैं और फिर उसका कुछ हीलिंग करते हैं या सजेशंस देते हैं या वैसा कुछ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थीटा हीलिंग में हम किसी को भी कोई हिप्नोटाइज नहीं करते हैं। थीटा हीलिंग में, थीटा स्टेट ऑफ माइंड में जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो जाने का जो प्रोसेस है वो हीलर का रहता है, यानी हीलर जो है वो थीटा हीलिंग की प्रैक्टिस करके या तो थीटा हीलिंग का प्रोसेस यूज़ करके थीटा स्टेट में जाता है और फिर पेशेंट का हीलिंग करता है। ये बहुत बार देखा गया है, मेरे साथ तो ये काफ़ी बार एक्सपीरियंस हुआ है कि जब भी मैं किसी का थीटा हीलिंग से हीलिंग करता हूँ तो सामने वाला जो पर्सन है या तो जो पेशेंट है वो नेचुरली थीटा स्टेट में चला जाता है। मुझे कोई भी सजेशंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही डीप स्टेट में चला जाता है। यस, फिर दूसरा, बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि थीटा हीलिंग
इतना बड़ा है, या तो सिर्फ इसमें थीटा हीलिंग की जो टेक्निक है उसको अगर हमने सीख लिया या तो उसको हमने मास्टर कर लिया तो डन थीटा हीलिंग हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थीटा हीलिंग बहुत बहुत ही डीप, बहुत ही वाइड मॉडलिटी है। जैसे वाइनस दिब्बल जो थीटा हीलिंग की फाउंडर है वो कहती है, जो बहुत सारे हीलर्स कहते हैं, जो मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन भी है कि थीटा हीलिंग कोई एक सिंपल हीलिंग मॉडलिटी नहीं है, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ। इसमें इतना सब कुछ है, इतना सारा है कि आप पूरी लाइफ थीटा हीलिंग के बेसिस पे डिजाइन कर सकते हो, उसके हिसाब से ही जी सकते हो। हाँ, रही बात थीटा हीलिंग की टेक्निक की, तो थीटा हीलिंग की टेक्निक आपको थीटा हीलिंग की बुक्स में भी मिल जाएगी। थीटा हीलिंग की जो हीलिंग टेक्निक है, थीटा स्टेट में जाने की टेक्निक है, वो थीटा हीलिंग के फाउंडर वाइनस दिब्बल ने यूट्यूब में ओपनली अवेलेबल करके रखी है। आप जब भी चाहे उसका यूज़ करके थीटा स्टेट में जा सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। बट थीटा हीलिंग सिर्फ इतना लिमिटेड नहीं है, बहुत बहुत डीप में है। हम कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक को कि थीटा हीलिंग में क्या क्या कवर होता है, क्या क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं थीटा हीलिंग से, किस तरह से हम हमारी लाइफ पूरी 360 डिग्री टर्न अराउंड कर सकते हैं थीटा हीलिंग से, वो इस थीटा हीलिंग की वीडियो सीरीज़ में हम हो सके उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। आज के थीटा हीलिंग के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट कर सकते हैं, या तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबके जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी वैल्यू मिली है, कुछ भी नया जानने को मिला है, कुछ भी नया सीखने को मिला है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको हीलिंग में इंटरेस्ट है, या तो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं जिसको थीटा हीलिंग जानना है, या तो कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ।